जय फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ का दोस्तों साइंस का पूरा पेपर का सोल्यूशन कराने आ गया हूं दोस्तों आप सबके बीच। दोस्तों पूरा वीडियो आखिरी तक देखेगा और दोस्तों साथ में दोस्तों आप सबको टिप्स भी बताऊंगा, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों इसको पूरा आखिरी तक देखेगा, हम पूरा पेपर सॉल्व कराने चल रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों 2022 का पेपर सोल्यूशन है दोस्तों, सेम इसी पैटर्न दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आज बार आपके। दोस्तों इसको पूरा वीडियो आखिरी तक देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबका हिंदी टू यहाँ दोस्तों जो हिंदी मीडियम दोस्तों जो बच्चे हैं विज्ञान के साइंस के दोस्तों अच्छे से पेपर को देख के अच्छे से दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो रिपीटेड होते हैं। कितने होते, क्या होते हैं दोस्तों, रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों आइए हम पूरे पेपर के बारे में बताते हैं, दोस्तों समझाते हैं किस तरह से आपका पेपर आएगा दोस्तों और किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको पेपर सॉल्व कराते हैं। देखिएगा यहाँ दोस्तों, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है दोस्तों रहेगा और दोस्तों 70 नंबर पूर्णांक का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सभी बच्चों के लिए मिलेगा। और दोस्तों यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में दोस्तों क, ख और ग में विभाजित है, यानी ए बी सी। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय रहेगा जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के चयन। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हो रहा है दोस्तों कि इस बार सभी बच्चों का जो पेपर हो रहा है वो सभी बच्चों का कैसा हो रहा है, वो सभी बच्चों का दोस्तों 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहेगा 20 क्वेश्चन और 50 नंबर का थ्योरेटिकल होता है। दोस्तों इस तरह से सारा दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, पूरा दोस्तों वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से, आप सबका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं और दोस्तों पार्ट वन बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है खंड क का सेक्शन यानी ए का। चलिए पार्ट वन देखिएगा, यहाँ कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। बताया गया इसमें आपका दोस्तों 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और दोस्तों 60 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर यही आएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु की आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा, लेंस के मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी की दोगुनी पर या अंतर पर या इसमें लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा और प्रकाश मुख्य फोकस के बीच में। पता है किस में रखते हैं दोस्तों, इस एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको दोस्तों हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम आपको बताऊंगा दोस्तों, बस यही एक डाउट में है। देखिएगा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बताइएगा इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलो इसका राइट दोस्तों, किलोवाट इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका क्या है, विद्युत धारा का मापन करते हैं, पता है किससे करते हैं, विद्युत जंत्र द्वारा या धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा है दोस्तों, विद्युत मोटर द्वारा, तो बताइए किससे करते हैं दोस्तों। तो इसका दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीटर द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका जिसे यहाँ देखिएगा, ये दोस्तों आप सबका क्या है, ये दोस्तों आप सबका अति लघु यानी दोस्तों आप कह सकते हैं दोस्तों निश्चित उत्तर प्रश्न का दोस्तों, या दोस्तों आप सब कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्या क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देखिए इसको दोस्तों जिससे आप सबको आएगा तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों जिन बच्चों को नहीं आएगा वो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा अब अवतल दर्पण के सामने इतना मीटर दूरी पर, यानी दोस्तों वस्तु की दूरी, ऐसे हेडिंग डालिएगा, अब वस्तु की दूरी दोस्तों एक वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी ऐसे लिखेगा, वस्तु की दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आंसर में लिखेगा प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क का दोस्तों, अब सॉल्व करिएगा तो हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद दोस्तों क्या करेगा, यहाँ लिखेगा वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ कह रहा है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो आप लिखिएगा फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति इतना भी दोस्तों लिख के छोड़ देते हो क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की स्थिति क्वेश्चन मार्क और प्रकृति भी क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, बस लिख के दोस्तों आप सबको यहाँ 2 नंबर का है, 1 नंबर मिल जाएगा, बाकी दोस्तों आप सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप आधा अधूरा किए रहेंगे, नहीं आएगा तो ये करिएगा, जो जिन बच्चों को आएगा पूरा करेंगे। इस तरह तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन करना है दोस्तों और ये भी करना है इस तरह से। ठीक है, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तीसरा का है, क नंबर देखिएगा, दृष्टि दोष क्या है, इससे इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि
आवश्यक किरणें आरेखित भी बनाइए। ये दोस्तों आपका देखिए दृष्टि दोष दोस्तों क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को अधिक दिखाई दे या कम दिखाई दो दोस्तों, नजरों में दोस्तों जैसे होता है ना कि कम देखना ही दोस्तों क्या होता है, आप सबका दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी से संबंधित दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको ये दृष्टि दोष लिख के दोस्तों हेडिंग बना के और दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों पूरा क्या करना है लिख देना है, अपने ही शब्दों में लिख दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, अथवा करके दोस्तों चाहे पहला चाहे दूसरा करिएगा, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो यही छाप दीजिएगा, इसी तरह से आपका 3 नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दोस्तों सारे डाटा को आप लिखिएगा, जैसे इसमें कह रहा है तार के सिरों पर इतना वोल्ट विभवांतर, तो लिखिएगा तार का विभवांतर बराबर इतना वोल्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ कह रहा है लगाने पर इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा बराबर दोस्तों 0.5 एम्पियर, इस तरह से। यदि तार की लंबाई 3 सेंटीमीटर तो आप लिखिएगा 3 मीटर, तो दोस्तों आप लिखिएगा तार की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर, उसके बाद यहाँ लिखा है अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करिएगा अनुप्रस्थ काट बराबर दोस्तों लिखिएगा 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो, तो इस प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधकता की गणना, तो आप सब क्या करिएगा प्रतिरोधकता इसको दोस्तों कॉमन क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, इतने भी करेंगे दोस्तों तो 4 नंबर में दोस्तों 2 नंबर आपको श्योर है मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आप सबका सारे क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों चाहे पहला करिएगा चाहे जो दूसरा जो आपको आता रहेगा वही करिएगा, जिन बच्चों को नहीं आएगा दोस्तों इस तरह से दोस्तों यही करिएगा और दोस्तों इस तरह से डाटा लिख देंगे तो आप सबका दोस्तों आधा नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों 7 × 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है नामांकित आरेख खींचकर, अब यहाँ कह रहा है किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य को स्पष्ट कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों नामांकित चित्र भी आपको बनाना होगा आरेख। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या करना है 7 नंबर का, तो क्या करेगा यहाँ दोस्तों विद्युत मोटर का, तो विद्युत मोटर आप सबको दोस्तों पता होगा तो कोई भी दोस्तों एक बना दीजिएगा, जिससे दोस्तों कभी आप दोस्तों क्या होंगे कि आटा चक्की पे गए हो तो वहां दोस्तों क्या है विद्युत मोटर चलता है ना, है ना, तो जिससे दोस्तों क्या होता है आटा पीसा जाता है, तो उसको दोस्तों उसका भी दोस्तों फिगर बना देंगे और दोस्तों उससे संबंधित दोस्तों कुछ भी लिख देंगे दोस्तों, आज सब क्या होगा उसकी कार्य विधि को स्पष्ट करना है दोस्तों 7 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। आप से दोस्तों बहुत आराम से इसको लिख सकते हो और फिगर भी दोस्तों आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना आता होगा आई होप। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप सबको क्या करना है बना लेना है। आप देखिए 5वें नंबर में आ गए दोस्तों खंड बी में, यानी सेक्शन बी खंड ब ख। ठीक है, देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता है बताइए कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कितना होता है दोस्तों कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइएगा कौन सा है, COPO3 का होल ट्वाइस या दोस्तों यहाँ पे CaPO4 या यहाँ पे CaCl3PO4 का होल ट्वाइस या दोस्तों यहाँ पे CaPO2O4, ये बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा CaPO4 का होल ट्वाइस, ये दोस्तों इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सबका गन नंबर, कह रहा है रासायनिक समीकरण ये दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है क्या है बताइएगा, योगात्मक अपक्रिया है, निराकरण अपक्रिया है, अवक्षेपण अपक्रिया है या इसमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दोस्तों आप सबका ऑप्शन सही हो जाएगा 4वां नंबर, इसमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी योगात्मक अपक्रिया भी नहीं है, निराकरण भी नहीं है दोस्तों और अवक्षेपण भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब आपका क्या रहेगा 6वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ये दोस्तों सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, देखिएगा जैसे इसमें दोस्तों इसमें क्या करेगा, कास्टिक सोडा और प्लास्टिक प्लास्टर आप पेरिस में उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हो दोस्तों, जो आप सबके हाथों में जैसे टूट जाता है दोस्तों कोई पार्ट दोस्तों क्या होता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही दोस्तों क्या करते हैं उसको तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, दोस्तों व्हाइट कलर का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दोस्तों कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है दोस्तों आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे दोस्तों क्या करिएगा, कास्टिक सोडा के बारे में दोस्तों सोडा जानते हो ना उसके बारे में दोस्तों लिखिएगा हेडिंग और उससे संबंधित लिख दीजिएगा, और कास्टिक यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखिएगा दोस्तों और उसका दोस्तों उपयोग लिख दीजिएगा, उपयोगी तो पूछ रखा है या दोस्तों सोडा का भी लिख दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 नंबर दोस्तों आराम से मिल जाएगा, श्योर है दोस्तों मिल जाएगा, इस तरह दोस्तों ये भी करना है, इसी तरह दोस्तों इसको भी लिख लेना है, और दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोस्तों किन्हीं 2 उपयोगिता का उल्लेख कीजिएगा, भाई साहब 2 उपयोगिता मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपयोगिता आप हेडिंग डालिएगा, उसके बाद दोस्तों पहला लिखिएगा दूसरा लिखिएगा और दोस्तों आराम से उसमें छाप दीजिएगा जो मन में आएगा, आपको दोस्तों 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर ही सही, जहाँ दोस्तों कुछ नहीं वहाँ पे 1 नंबर ही बहुत होता है। देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक IUPAC पद्धति में नाम लिखिएगा, ये दोस्तों आप सबका 2 दिया रहेगा, कह रहा है कि आपको इसको IUPAC का नाम लिखना है, 1-1 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, कितने 1-1 नंबर के, तो दोस्तों इसमें क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि इसका दोस्तों आप सब क्या करेगा आराम से पहले इसको उतार लीजिएगा कॉपी पेपर में, ठीक है आराम से उतार लीजिएगा, उसके बाद क्या करिएगा कि आप सब इसका
राइट आंसर लिख दीजिएगा, कुछ भी जो आपके मन में आएगा दोस्तों, इसका जुगाड़ भी बन जाता है। ये सब दोस्तों क्या होता है, डायरेक्ट लिखना होता है, यूपीएससी नाम आराम से लिख लेते हैं, ठीक है, सभी बच्चे लिख लेते हैं, ये सब बता भी दिया जाता है, तो हमें पता भी है दोस्तों आप सबका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये सबका टेंशन ना लीजिएगा, यहाँ ख नंबर दोस्तों इसमें कह रखा है, कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की दो उपयोगिता लिखिए, दो उपयोगिता में दोस्तों क्या है, यहाँ दो नंबर का है, तो दोस्तों क्या करिएगा, ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लिखिएगा, उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके दोस्तों आराम से लिखिएगा, आप सबको दोस्तों दो नंबर का है, एक नंबर आराम से मिल जाएगा दोस्तों। छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को आप सबको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आप सबको क्या करना है, अटेंड करना है। इस तरह दोस्तों ये भी समीकरण का पूर्ण कीजिएगा दोस्तों, कह रहा है दोस्तों क्या करेगा, आप सबको इस समीकरण को दोस्तों पूर्ण करना आएगा तो ठीक है, नहीं दोस्तों क्या करेगा, इसको आप सब आराम से छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको दोस्तों एक बार लिख लीजिएगा, इससे समझ दोस्तों एक स्टेप बढ़ जाइएगा, ठीक है। इसी के दोस्तों क्या करेगा, दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस ये चीजें यहाँ उठा के सामने रख दीजिएगा इसका। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक एक नंबर के है, तो इसमें दोस्तों आप सबको आप नहीं मिल सकता है, कट जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें दो दो नंबर का है, तो एक एक नंबर इसका मिल जाएगा, तो दोस्तों दो ही नंबर मिलेगा आठवें में, क्या ही दिक्कत है, टोटल दोस्तों छह पांच सात नंबर के हैं, दो नंबर मिल जाएगा, पांच नंबर नहीं मिलेगा तो क्या ही बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप सबको लिखना जरूर है, क्योंकि दो नंबर भी दोस्तों आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप देखिएगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, प्रतिस्थापन प्रक्रिया और यहाँ पे सजातीय श्रेणी और दहन प्रक्रिया और यहाँ पे दिया है स्टरीकरण, ये दोस्तों दो दो नंबर के और दोस्तों यहाँ पे एक नंबर की, तो दोस्तों क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा पूरा, या तो दोस्तों पहला करिएगा या दोस्तों इसका, इसमें दोस्तों क्या करिएगा, प्रतिस्थापन प्रक्रिया जो दोस्तों आप सबको आता रहेगा मन में छाप दीजिएगा, बस हेडिंग हेडिंग इन्हीं सबका दोस्तों डाल के आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पे ग नंबर नवा नंबर, ठीक है, क्वेश्चन की ओर, सेक्शन यानी खंड ग देखिएगा, पार्ट सी देखिएगा, इसमें कह रहा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है, जल, खनिज लवण या प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन, क्या दोस्तों वह क्या अवशोषित करता है, बताएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन यानी प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, बताइएगा कौन से हैं, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है या जगदीश चंद्र बोस है या हर गोविंद खुराना है, कौन है दोस्तों इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही चार्ल्स डार्विन, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, बताइए कहां मिलता है, अंडाशय से या प्लेसेंटा से या वृक्ष से या फेलोरोपियन ट्यूब से, बताइए किससे मिलता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें दोस्तों आपका सेकेंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेसेंटा से ही मिलता है इनको, ठीक है, मानव को भ्रूण पोषण। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है, बताइए कौन सा इसमें विषम पोषी नहीं है, फफूंदी या यहाँ पे फीताकृमि या यहाँ पे यीस्ट या यहाँ पे मई मनी प्लांट, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों मनी प्लांट जो होता है दोस्तों क्या होता है, वह विषम पोषी नहीं है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका देखिएगा क्या है, ये दोस्तों दसवां नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों आप सबका दो दो नंबर के हैं, कह रहा है डायग्राम क्या है, डायग्राम सॉरी डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, डायफ्राम के बारे में दोस्तों आप ऐसा तो है नहीं दोस्तों बिल्कुल स्कूल गए ही नहीं होंगे, कुछ तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, दोस्तों क्या करेगा इसी को दोस्तों हेडिंग बना के आराम से छाप लेना है इसके बारे में, ठीक है। नहीं आ रहा है दोस्तों तो कुछ भी लिख दीजिएगा, लिखिएगा जरूर दोस्तों, दो नंबर का है तो एक नंबर तो जरूर मिल जाएगा, श्योर है। यहाँ दोस्तों ग्यारह नंबर में दोस्तों इसी तरह करना है, इसमें तो तीन क्वेश्चन थे, इसमें दोस्तों आप सबके ग्यारह नंबर में चार चार नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपको दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा दोस्तों, दोनों में क्या होगा दोस्तों आप सबको अथवा करके दिया रहेगा, जो दोस्तों आपको चाहे, पहला मानव में नर जनन तंत्र का एक नामांकित बनाइएगा, दोस्तों मानव का नर जनन तंत्र का नामांकित नहीं बना सकते हो, बना लीजिएगा, बहुत आप सब देखे जाने हो जान, ठीक है, यहाँ पे बच्चे ना बनो, आराम से यहाँ पे दोस्तों चार नंबर का, तीन नंबर आराम से बन जाएगा फिगर का, और दोस्तों एक नंबर लिखना रहेगा, तो मानव जनन तंत्र के बारे में दोस्तों आप सब आराम से लिख सकते हो, ठीक से थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, जनन तंत्र होता है दोस्तों जानते ही हो, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का दोस्तों प्राइवेट पार्ट ही दोस्तों जनन तंत्र होता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट क्या होता है आप सब जानते हो, तो उसी को दोस्तों क्या करेगा, बना दीजिएगा फिगर, जनन तंत्र, मानव का जनन तंत्र दोस्तों आप सबको दोस्तों तीन नंबर का फिगर का मिल जाएगा, और दोस्तों उसके बारे में कुछ लिख दीजिएगा, वो दोस्तों आप सबका यदि आप अच्छे से लिख देंगे दोस्तों तो वहाँ पे दोस्तों चार चार पूरे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ख नंबर इसका जो रहेगा उस पर कह रहा है दो पर टिप्पणी लिखिएगा, दो दो नंबर का रहेगा, वृक्ष कांड पे, सौर ऊर्जा पे और प्राकृतिक संसाधन पे, दोस्तों सौर ऊर्जा पे नहीं लिख सकते हो क्या,
सौर ऊर्जा आराम से लिख सकते हो, हेडिंग बनाइएगा, आराम से छाप दीजिएगा मन में जो है दोस्तों सौर ऊर्जा के बारे में, ठीक है, सब लिख दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मतलब समझते हो दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे हो गए, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे पौधे हो गए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पानी हो गया, वाटर हो गया दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं, नदियाँ हो गई हमारी प्राकृतिक संसाधन जिससे हम लोग पानियाँ बहुत यूज करते हैं, है ना, ये दोस्तों प्राकृतिक संसाधन होती हैं। तो इसको दोस्तों आप सब अच्छे से हेडिंग डाल के, हर एक दोस्तों चार छह हेडिंग दोस्तों डाल के आराम से लिख दीजिएगा, दो नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ कह रहा है दो पे संक्षिप्त टिप्पणी, यहाँ भी दोस्तों कह रहा है दो दो नंबर का, तो मानवीय शोषण, और यहाँ पे कह रहा है बनाना है, यहाँ दोस्तों क्या करना है, दो पर टिप्पणी लिखना है तो फिगर बनाइएगा जरूर, दो नंबर का दोस्तों तो आपको एक नंबर तो फिगर का ही मिल जाएगा, ठीक है। मानव हृदय के रुधिर प्रभाव, ये भी दोस्तों आप सबको लिखना है, और यहाँ पे वन प्रबंध दोस्तों, ये इसका दोस्तों आराम से लिख सकते हो, और इसका भी दोस्तों, ठीक है, आराम दोस्तों क्या करेगा, वन प्रबंधन दोस्तों, वन प्रबंधन पर या मानव रुधिर पे, ये भी दोस्तों आराम से लिखेगा, मानव शरीर में रुधिर की कितनी महत्वता है दोस्तों इसके बारे में लिख दीजिएगा, वही दोस्तों आपसे क्या होगा संक्षिप्त पड़ी हो जाएगा, वन प्रबंध यानी वन कितना हमारे लिए उपयोगी है दोस्तों इसके बारे में आराम से लिख दीजिएगा, आपका दोस्तों ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन पेपर को दोस्तों क्या करना है, फिनिश कर देना है। और बारहवां नंबर दोस्तों सात सात नंबर का है, इसमें दोस्तों क्या करेगा, मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिएगा, भाई साहब लिंग निर्धारण का दोस्तों एक फिगर बना दीजिएगा मन में आएगा तो ठीक है, नहीं दोस्तों इसके बारे में आप हेडिंग बना बना के दोस्तों आराम दोस्तों मेल क्या होते हैं, फीमेल क्या होते हैं, दोनों क्या डिफरेंस होता है दोस्तों आराम से लिखेगा। साथ में दोस्तों आप सबको पांच नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, हेडिंग बना के लिखेगा बस, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सब लिखेंगे दोस्तों तो आप सबका 100% पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, और दोस्तों आप सब एक अच्छे नंबर से क्या होंगे पास हो जाएंगे। तो यानी दोस्तों आप सबको बता दूं, आप सब दोस्तों कितना भी दोस्तों खराब लिखेंगे थ्योरेटिकल वाले में दोस्तों, तो आप सबको दोस्तों 50 में, ठीक है, 50 में कम से कम दोस्तों आप सबको 35 नंबर मिल जाएगा दोस्तों इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और दोस्तों हाँ इस तरह दोस्तों आप सबको टिप्स और ट्रिक पाने के लिए, और दोस्तों अपने एग्जाम चैनल को तुरंत दोस्तों सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों आप सब अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे हर एक बच्चा दोस्तों क्या कर सके बिल्कुल अच्छे से अपना दोस्तों तैयारी कर सके, पढ़ाई कर सके इस चैनल पे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हम कंटेंट लाते हैं, और सबसे तेज सबसे सटीक दोस्तों सोल्यूशन भी लेकर आते हैं। दोस्तों क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।